चैनल ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर। और दोस्तों मैं हाजिर हूं आज की अपनी दूसरी वीडियो लेके। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। एक छोटी सी वीडियो है अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। और पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपने बताया है परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आता है, तो पास्ट परफेक्ट में उसका पास्ट यानी हैड। इस स्ट्रक्चर को आपने ध्यान रखना है, आपने याद ध्यान में रखना है कि पास्ट परफेक्ट का यदि सेंटेंस है तो हैड प्लस थर्ड का यूज होगा। और बार बार मैं आपको कह रहा हूं टेंसेस हम डीपली नहीं कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स की सहायता से इनको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह मैं कुछ वर्ड्स लेके आया हूं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पहला जो वर्ड है वो है बिफोर, बिफोर के द्वारा आप पहचान सकते हैं। बिफोर यदि पेपर में आपके किसी सेंटेंस आपको दिखाई दे तो आप बता सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस है। बिफोर जैसा ही काम करता है व्हेन, सेम रूल दोनों के ऊपर लागू होता है। ये यदि पेपर में आए तो इनके बाद मैंने बताया था आपको, व्हेन के बाद मैंने बताया था सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इनके आगे हम यूज करेंगे एंड प्लस थर्ड, ये आपने ध्यान रख लेना है। किसी भी एग्जाम में आपको ये दिखाई दे तो आराम से आप बिफोर व्हेन से बाद में सेकंड और आगे एंड थर्ड। नेगेटिव है तो एड नॉट थर्ड, बाद में डिड नॉट फर्स्ट, यदि नेगेटिव है। बड़ा ही आसान है, बिफोर आपको दिखाई दे और व्हेन आपको दिखाई दे दो, ये आपने लागू करना है। नेक्स्ट है बिफोर का ऑपोजिट, आपको पता है क्या होता है इसका, बिफोर का उल्टा आफ्टर। बिफोर का जो ऑपोजिट है उल्टा है वो आफ्टर, तो रूल भी उल्टा हो जाएगा। इसमें बाद में सेकंड है तो पहले सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और इसमें पहले एंड थर्ड है पीछे लेके जाएंगे। इसमें एक और रूल है, वो जो मैं एग्जांपल आपको करवाऊंगा साथ साथ में वो एक रूल बताऊंगा, वो एग्जांपल की सहायता से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। पहले आपने ये दो ही रूल अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं पास्ट परफेक्ट के, बिफोर और व्हेन, पहले एड थर्ड बाद में सेकंड, आफ्टर इनका उल्टा है तो रूल भी उल्टा, बाद में एड थर्ड पहले सेकंड। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम इनको समझते हैं। एक एग्जांपल जो पहला मैं कर रहा हूं सबने सुना भी पहले, पैसेंट डैश डाई बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर डैश कम, एक ये सेंटेंस है, ये पेपर में तो पहचान सकते हो। बिफोर है, रूल क्या कहता है, रूल कहता है बाद में सेकंड और पहले एड थर्ड, तो आसान है, पहले आप यूज कीजिए हैड डाइड, और बिफोर के बाद क्या ले जाते हैं सेकंड फॉर्म, और कम की सेकंड फॉर्म है केम, ये भी आपने याद करनी है, सेकंड फॉर्म है केम। तो बिफोर का एग्जांपल आपके सामने है। एक और एग्जांपल हम बिफोर का लेते हैं, द बेल डैश रिंग, द बेल डैश रिंग बिफोर आई डैश रीच द स्कूल, बिफोर आई रीच द स्कूल। फिर आपने बिफोर को देखा, फिर रूल आप पहले आप यूज करोगे हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको रिंग की थर्ड फॉर्म का बताना चाहिए, रिंग रिंग रन, आर आई एन जी, आर ए एन जी और बाद में आर यू एन जी, सिंग सेंग सन, स्विम स्वेम सोम, ये वर्ब फॉर्म भी आपने याद करनी है। तो आर
यूएनजी हैड थर्ड, और यहां आपको पता है सेकंड रीचड, ये रूल है। ये जो एग्जांपल है मैंने आपको बताई है बिफोर के, और साथ में वेन का भी, वेन के बाद में सेकंड फॉर्म। वेन का एक एग्जांपल भी हम ले सकते हैं यहां पे, वेन आई रीच्ड हिज हाउस डैश ही हैड सेलेक्ट, ही हैड सेलेक्ट। वेन के बाद सेकेंड फॉर्म आई है, वेन आई रीच्ड हिज हाउस ही हैड सेलेक्ट। स्लीप की थर्ड फॉर्म है स्लीप सेलेक्ट सेलेक्ट, कीप कैप्ट कैप्ट, वीप वेप्ट वेप्ट, आपने याद रखना है। रूल है वेन के बाद में जस्ट आफ्टर वेन सेकेंड फॉर्म, और उसके जो एक आगे का पार्ट है इसके बाद में आपने यूज करना है हैड प्लस थर्ड। अब बारी है एग्जांपल्स की, जो एग्जांपल है आफ्टर की, दोबारा फिर एक बार फिर मैं याद कर रहा हूं, बिफोर और वेन है तो पहले एड थर्ड बाद में सेकंड, और आफ्टर में इसका उल्टा, पहले सेकंड बाद में एड थर्ड। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। I dash come, I dash come after he dash go, I dash come after he dash go। कुछ भी नहीं करना, आपने देखना है अभी after है, after के पहले हम second form का use करते हैं, तो I came after He had gone. After he had gone. एक एग्जाम्पल और हम यूज कर सकते हैं, the chief guest dash reach after the match dash start. द मैच डैश स्टार्ट, फिर आपने आफ्टर को देखना है। इससे पहले आप यूज करोगे सेकेंड फॉर्म रीच्ड, और बाद में आपने यूज करना है आफ्टर के बाद एंड थर्ड हैड, और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म है स्टार्टेड। द चीफ गेस्ट रीच्ड आफ्टर द मैच हैड स्टार्टेड। एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस की, मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, वो अब आप देख सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस जिसमें शर्त रखी गई हो, इफ ही हैड वर्कड हार्ड कोमा ही वुड हैव पास्ड, ही वुड हैव पास्ड। इसमें आपने समझना क्या है, ये जो रूल है आपने सेंटेंस के तहत सेंटेंस के द्वारा ही समझना है। यदि मैं पहले लिखवा देता बिफोर आफ्टर के पास लिखवा देता कंडीशनल सेंटेंस, आपके समझ में नहीं आता। अब आप इसको समझ सकते हैं। रूल क्या है, यदि पेपर में आपको इफ दिखाई दे, पेपर में आपको इफ दिखाई दे, इट मींस इट इज कंडीशनल सेंटेंस। इफ आपको पेपर में दिखाई दे, और यदि आपको वुड हैव और थर्ड फॉर्म दिखाई दे, वुड हैव और थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो आपने एक जो ब्लैंक्स है उसमें एड प्लस थर्ड का यूज करना है, दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। इफ ही हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, बड़ा ही आसान है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म है तो आपने यहां पे यूज करना है हैड थर्ड। If he had worked hard, I would have
पास्ट। इस सेंटेंस में सिर्फ तीन ही चीजें याद करने की हैं, बिफोर व्हेन के बाद में ऐड थर्ड पहले, सॉरी बाद में सेकंड पहले ऐड थर्ड, आफ्टर इनका उल्टा है तो पहले आपने यूज करना है इसमें सेकंड बाद में ऐड थर्ड। अगला रूल है कंडीशनल, बता भी दिया है, इसके बाद एक बार फिर बताता हूं मैं। इफ सेंटेंस में आपको दिखाई दे इफ, और एक उसके दो पार्ट मिलेंगे आपको, एक पार्ट में वुड है और थर्ड दिखाई दे तो दूसरे पार्ट में आपने ऐड थर्ड का यूज करना है। छोटा सा सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट, इससे पहले जो पास्ट कंटिन्यूअस था वो भी छोटा सा टेंस है। इकट्ठी वीडियो में पहले भी बताया है, बच्चों की इच्छा के कारण ही, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो कमेंट है, उसके कारण ही हम लोग वीडियो नहीं बना रहे, ताकि छोटी छोटी वीडियो के द्वारा एक एक टेंस करते हुए आप आगे बढ़े, और लॉकडाउन होते हुए भी आपकी स्टडी में कोई बाधा ना आए, आप घर पे रहते हुए अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी रख सकें। और लॉकडाउन के बाद जो जॉब जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं उनके लिए आप अच्छी तैयारी कर सकें, यही हमारा मकसद है। तो आज की वीडियो में इतना ही, पर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की जो वीडियो है वो लेके आऊंगा मैं कल। तब तक स्टे एट होम, टेक केयर एंड गुड बाय।